एक और बड़ी खबर मिल रही है चित्रकूट से। ट्रक की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मरने वालों में एक डायल 100 पुलिसकर्मी भी शामिल है। राजापुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ये हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। इस हादसे में 3 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक पुलिसकर्मी भी इस हादसे में शिकार हुआ है। बड़ी खबर। ट्रक की टक्कर बताई जा रही है जिसके चलते यह हादसा हुआ। राजापुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है और एक पुलिसकर्मी भी इस हादसे का शिकार हुआ। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन पटेल जुड़े हुए हैं। रतन, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बता दें कि ये एक्सीडेंट रात को लगभग 12 बजे के करीब हुआ था, जिसमें एक सिपाही और एक होमगार्ड और एक ग्रामीण की मौत हुई है। ये घटना कुछ इस तरीके से हुई थी कि रात में बोलेरो का क्या ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चल पाया है? नहीं, ट्रक ड्राइवर तो भाग चुका है, वो घटना के जस्ट बाद वो उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस अभी मृतक सिपाही का पोस्टमार्टम के बाद गार्ड ऑनर देने की तैयारी कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें एक पुलिसकर्मी भी इस हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है, ना ही गिरफ्तारी हो पाई है। राजापुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। 3 लोग का शिकार हुआ है। काल के गाल में समाप्त।